तो कल हम लोगों ने क्या देखा कि एसिड्स कौन से होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं टू गिव हाइड्रोनियम आयंस. हाइड्रोनियम आयंस कौन होते हैं? H3O+. अब यहाँ पर H2O है, H2SO4 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? दो. हाइड्रोजन कितने हैं? दो. तो हाइड्रोनियम आयन भी कितने बनेंगे? दो. तो हाइड्रोनियम आयन भी कितने बनेंगे? आ रही बात समझ में? ठीक है. अगर इसकी जगह होता HNO3, क्या होता है इसकी जगह? HNO3. तो HNO3 में हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ एक. तो हाइड्रोनियम आयन भी कितने बनेंगे? सिर्फ एक. ठीक है ना. आप सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, पानी की प्रेजेंस में. कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है मतलब, अगर मानो मैंने यहाँ 10 मॉलिक्यूल HCl के लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए HCl के? 10 मॉलिक्यूल लिए, और 10 मॉलिक्यूल HCl के जब पानी में डालूंगी तो 10 में से कम 9 काय में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, H+ और Cl-. यानी कि इसमें जो डिसोसिएशन है वो 90% से क्या है, या तो 90% है या 90% से ज्यादा होता है, ठीक है ना. एक मॉलिक्यूल रहेगा जो H+ और Cl- में ब्रेक नहीं हो पाएगा. तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट डिसोसिएशन, जिसमें क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए. क्लियर है? वीक एसिड्स कौन से होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते? वीक एसिड्स कौन से होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते? जैसे कि क्या? H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड. अब अगर आप H2CO3 के 10 मॉलिक्यूल लोगे, H2CO3 के कितने मॉलिक्यूल्स लोगे? 10 मॉलिक्यूल्स लोगे, तो 3 तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लेकिन 7 ब्रेक डाउन नहीं होंगे. तो जहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन या ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं. जैसे हम लोगों ने लिया CH3COOH, ये बेसिकली तुम्हारा एसिटिक एसिड होता है जो तुम्हारी विनेगर में डलता है, ठीक है. तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल लिए तो 4 क्या हो गए? ब्रेक डाउन हो गए, और 6 ब्रेक डाउन नहीं हुए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड, ठीक है. सिमिलरली सेम चीज किस में होती है? बेसिस में. बेस जैसे हमने एसिड्स को डिफाइन किया, तो हम लोगों ने एसिड्स क्या बोलता है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट रिलीज हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन. अगर हम लोग को बेसिस को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन. कौन से आयन रिलीज करते हैं ये? हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? OH-. हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? OH-. तो ऐसी चीजें जो पानी में क्या करेगी? OH- आयन क्या कर देगी? रिलीज कर देगी. उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेसिस. अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक बेसिस कौन से होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है ना. तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? NaOH, KOH. अगर NaOH, CaOH ट्वाइस की हम लोगों ने 10 मॉलिक्यूल लिए, तो 10 में से 9 क्या हो गए? ब्रेक डाउन हो गए, एक नहीं हुआ, है ना. NaOH के हम लोगों ने 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 में से 9 ब्रेक डाउन हो गए, एक नहीं हुआ. तो जहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है वहां पर क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, या वो बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगे. और जहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, जैसे NH4OH, तो ये क्या है? इसमें से 3 ब्रेक डाउन हुए, NH4+ और OH- में, और 7 ब्रेक डाउन नहीं हुए, ठीक है. तो ये क्या होते हैं? वीक बेसिस होते हैं. इज दैट क्लियर? चलो सुनो, आप एनसीईआरटी का जब पेज नंबर 25 खोलोगे तो तुम लोग को कुछ इंडेक्स क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि HCl HNO3 ये क्या करते हैं? पानी में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं. HCl HNO3 ये क्या करते हैं? पानी में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, पर ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ठीक है. तो इसका जवाब क्या लिखना है कि जो HCl होता है और HNO3 होता है, ये क्या करते हैं? पानी की प्रेजेंस में H+ आयंस रिलीज करते हैं, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या नहीं होता? कुछ डिसोसिएशन नहीं होता, कुछ ब्रेकडाउन नहीं होता, तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होते, और हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होते तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता. हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होते तो एसिडिक बिहेवियर शो, ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि HCl ब्रेकडाउन होता है, HNO3 ब्रेकडाउन होता है, और इस ब्रेकडाउन के चक्कर में, या डिसोसिएशन जो वर्ड इजी लगे, इस डिसोसिएशन के चक्कर में हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं. ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं,
और क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इसलिए ये क्या रिलीज नहीं होते, इसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होते, ये पानी में क्या हो जाते, डिजोल्व हो जाते, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ठीक है ना। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है। इधर पे इंटेक्स जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे की सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब एसिड को जब आप पानी में डालोगे सिर्फ एसिड रहेगा विदाउट वाटर तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन एसिड को अगर आप पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऐसा क्यों, तो हम लोग बोलेंगे जब एसिड में पानी डालेंगे तभी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे, अगर पानी नहीं डालेंगे तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं होंगे, तो पानी डालेंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे, पानी नहीं डालेंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं होंगे। इसलिए एक्वा सोल्यूशन में जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होते हैं और ये जो फ्री आयन्स रहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जो ड्राई एचसीएल गैस होती है, जो ड्राई एचसीएल गैस होती है वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करती है, जो ड्राई एचसीएल गैस होती है वो क्या नहीं करती है, लिटमस का कलर चेंज नहीं करती है। और क्योंकि ड्राई एचसीएल गैस लिटमस का कलर चेंज नहीं करती है तो क्यों नहीं करती, तो हम लोग बोलते हैं ड्राई एचसीएल गैस में हाइड्रोजन आयन्स रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स सिर्फ और सिर्फ कब रिलीज होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन्स सिर्फ और सिर्फ कब रिलीज होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसीलिए ड्राई एचसीएल गैस, इसलिए ड्राई एचसीएल गैस क्या रिलीज नहीं करेगी, लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन्स रिलीज नहीं होंगे, और जब तक हाइड्रोजन आयन्स रिलीज नहीं होंगे तब तक वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी। ये जो क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, क्या है कि जब आपको एसिड के अंदर पानी मिलाना होता है, आपको जब एसिड के अंदर क्या मिलाना होता है, पानी मिलाना होता है, तब आप क्या करते हो, पानी में एसिड डालोगे कि एसिड में पानी, पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते। अब जिनका दिमाग ये चल रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, तो जवाब है क्या, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अब कैसे फर्क पड़ता है, बहुत दिमाग से सुनो, कि जब हम लोग एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड डालते हैं, ये जो पूरी रिएक्शन रहती है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब इसमें हीट रिलीज क्या होगी, बहुत ज्यादा, यानी कि जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड डालते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, और क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है तो हीट प्रोड्यूस क्या होती है, बहुत ज्यादा, और क्योंकि हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है तो एसिड और वाटर का मिक्सचर क्या होता है, पानी से जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उससे क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है, उससे स्प्लैश आउट हो सकता है। इससे जो बंदा ये काम कर रहा है, एक तो उसको एसिड बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी टेस्ट ट्यूब भी टूट जाता है, क्योंकि लोकल हीटिंग की वजह से टेस्ट ट्यूब का कांच क्या होता है, फूट जाता है। आ रही बात समझ में? इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो हम लोग को एसिड को वाटर में डालना चाहिए विद कॉन्स्टेंट स्टियरिंग। एसिड को क्या में डालना चाहिए, पानी में, विद कॉन्स्टेंट स्टियरिंग। सो व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टियरिंग। आई बात समझ में? अगर ऐसा नहीं करेंगे, इफ दिस इज नॉट डन, तो ये रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द एसिड वाटर मिक्सचर मे स्प्लैश आउट एंड द टेस्ट ट्यूब एंड कॉज बर्न एंड द टेस्ट ट्यूब मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू लोकल हीटिंग। इज दैट क्लियर? अब ये आंसर तुम्हारी एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में एज इट इज जिस लैंग्वेज में मैंने बोला है दिया हुआ है, ठीक है, और नहीं भी तो तुम लोग को बता तो दिया ही है, ठीक है। जब हम लोग एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे आप शरबत में पानी डालते हो तो पर यूनिट, पर से मिठास कम हो जाती है, क्योंकि आपने पानी ज्यादा डाला,
तो सिमिलरली जब एसिड को आप डाइल्यूट करोगे तो पानी का जो वॉल्यूम रहेगा वो बढ़ जाएगा, इस वजह से पर यूनिट हाइड्रोजन आयंस, पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली अगर NaOH का सोल्यूशन है, मतलब NaOH प्लस वॉटर है, तो इसमें NaOH और डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बेस ज्यादा डाल रहे हो तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप पानी ज्यादा डालते तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता, कम हो जाता। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई परेशानी?